ऑप्टिकल पाथ क्या चीज़ है? देखो ऑप्टिकल पाथ का मतलब है, ऑप्टिकल का मतलब है लाइट, और लाइट का पाथ का मतलब लाइट ने जो रास्ता ट्रेवल किया। आपको कि उसमें क्या बात है यार, लाइट ने जो रास्ता ट्रेवल किया मैं क्या, लाइट सीधी जा रही है, इट इज एस इज इक्वल टू वी टी लगा वन सर। हाँ सही कह रहे हो, गलत नहीं कहोगे इसमें आप। अब प्रॉब्लम एक समझो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो एक लाइट है, टी टाइम में रास्ता कवर करती है, वैक्यूम में मान लो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया टी टाइम में, और वही लाइट ने टी टाइम में पानी में डिस्टेंस ट्रेवल किया। पानी में डिस्टेंस ज़्यादा होगा कि वैक्यूम में ज़्यादा होगा? वैक्यूम में ज़्यादा दूरी कवर करेगा टी टाइम में कि पानी में? वैक्यूम में। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में स्पीड ज़्यादा होती है तो ज़्यादा दूरी कवर करेगा। अच्छा ये बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मान लो पानी के अंदर एक लाइट ने 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, तो बताओ अगर ये पानी ना होता, वैक्यूम होता, तो वैक्यूम इक्वलेंट डिस्टेंस क्या होता? 20 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा ही होता ना, तो कितना होता? वो जो वैल्यू निकलेगी वो ऑप्टिकल पाथ है। पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं आपको न्यूमेरिकल्स में डेंसर मीडियम में डिस्टेंस गिवन होगा लाइट का, पर आपसे पूछा जाएगा वैक्यूम इक्वलेंट डिस्टेंस क्या होगा। ट्रेवल तो वो किस में कर रही होगी? पानी में। पर क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर ये पानी ना होता, वैक्यूम होता, तो सेम टाइम में कितनी दूरी वो डिस्टेंस कवर करती? तो आपका डिस्टेंस पानी के डिस्टेंस से तो ज़्यादा ही आएगा, वो ऑप्टिकल पाथ है। तो लिखा हुआ है ऑप्टिकल पाथ क्या है? पाथ लेंथ डेल्टा एक्स इन अ मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। मान लो पानी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और पाथ की लेंथ क्या है? डेल्टा एक्स है। सफर सेम फेज चेंज व्हेन इट ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ म्यू इनटू डेल्टा एक्स इन वैक्यूम। तो वैक्यूम के अंदर डिस्टेंस निकाल दिया, कितना होगा? म्यू इनटू डेल्टा एक्स। तो मैं आपको एक शॉर्टकट कराता हूँ, इसका प्रूफ अभी करवाता हूँ। ये है क्या, आप फॉर्मूला बुकलेट में एक नोट लिखें, पहले नोट लिखें फॉर्मूला के अंदर, बुकलेट जो बना रहे हैं। फॉर्मूला बुकलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूमेरिक फॉर्मूलाज आने वाले हैं, मेंटेन करके रखना, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक, तो इसके अंदर आप एक काम करें, आप लिखें हेडिंग ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ। तो इफ लाइट ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ एक्स इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स एक्स। ये फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल इन वॉटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 20 मीटर और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो 1.5, तो इन वैक्यूम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट विल बी इक्वल टू क्या, 20 इंटू क्या हो जाएगा, 1.5 आंसर। ये न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल में ये रूल काम आएगा। इसे बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ निकालना। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये भी बताता हूँ। तक ये कैसे आया फॉर्मूला, इसको देख लें। इमेजिन करें एक हमने किया हुआ है हाइगन प्रिंसिपल में, एक वेव फ्रंट आ रहा है प्लेन, लिक्विड के अंदर ये अपना बेंड हो गया,
ये आने वाला, ये जाने वाला, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और रिफ्लेक्शन आगे किया हुआ है हमने, हमने थ्योरी में किया था साइन आई इज बी सी डिवाइडेड बाई ए सी और साइन आर इज दिस अपॉन दिस, तो ये रेशियो आई ए सी से ए सी कैंसिल, क्या आएगा बी सी बाई ए डी। चेक करो बी सी का मतलब क्या है, डिस्टेंस इन वैक्यूम, और ए डी का मतलब क्या है, डिस्टेंस इन टेंसर। अब चेक करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो क्या आएगा बी सी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ए डी, यानी कि वैक्यूम का जो डिस्टेंस है वो म्यू टाइम्स डेंसर मीडियम के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो ये हाइगन प्रिंसिपल से हमने प्रूफ कर लिया। प्रूफ आपसे कोई पूछेगा नहीं, आपसे तो सिर्फ फॉर्मूला बस चाहिए होगा, फॉर्मूला जब यूज़ करना होगा मैं यूज़ कर लूँगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ये फॉर्मूला है क्या एग्जैक्टली, कोई डाउट इसमें? ठीक, थ्योरी में नहीं आएगा बट फॉर्मूला यूज होता रहेगा।